सुशांत सिंह राजपूत केस में एक इंसान ऐसा है जो कि एक बड़े रैंक का ऑफिसर है और वो भी सरवाइव कर रहा है और उसे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। विनय तिवारी जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जांच करने के लिए आए थे जब उनके फादर ने के सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। एक स्पेशल टीम आती है लेकिन स्पेशल टीम को काम नहीं करने दिया जाता, जिसके लिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को यहाँ भेजा जाता है और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर उन्हें क्वारंटाइन कर देती है, हाउस अरेस्ट कर देती है। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे जो कि डीजीपी है बिहार पुलिस के, उन्होंने कई प्रयास लगा दिए इस बात को लेके कि विनय तिवारी को जल्द से जल्द उस हाउस अरेस्ट से बाहर निकाला जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी कि आखिरकार आप एक सीनियर रैंक ऑफिसर के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बीएमसी ने विनय तिवारी को रिलीज नहीं किया। यहाँ तक कि गुप्तेश्वर पांडे ने बीएमसी को, मुंबई बीएमसी को कई ऐसे लेटर लिख लिए हैं जिसपे उन्होंने उनको रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट की। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये सभी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, लेकिन बीएमसी ने इस पर क्या रिप्लाई दिया मैं आपको आज वो बता देती हूँ कि बीएमसी का कहना है कि विनय पांडे को हम जो है वो रिलीज नहीं करेंगे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कोरोना काल में लगे हुए हैं वो विनय तिवारी के लिए भी है। वेल, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या किसी से भी पूछताछ करनी है तो वो डिजिटली कर सकते हैं, लाइक गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं, जूम के थ्रू कर सकते हैं, ये सब चीजें। वेल, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली डिजिटली आप कोई भी पूछताछ जो करते हैं वो हो सकता है कि उसके मायने ना हो या वो चीज जो है वो सेफ ना हो। अब ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि हम आज आज का और इंतजार करेंगे, अगर आज तक या कल सुबह तक उन्हें रिलीज नहीं किया गया तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कि अब इस केस में भी विनय तिवारी को रिलीज कराने के लिए बिहार पुलिस के डीजीपी जो है वो अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ हर अपडेट के लिए।